आज मैं आपको एक मैसेज देना चाहती हूँ। मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि हमारे को बच्चों को कंपेयर नहीं करना चाहिए। वो तो हम सबको मालूम है कि बच्चों को हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए, मगर तब भी हम हमेशा ये बोलते हैं कि अरे देखो, तुम सामने वालों को देखो, वो कितना अच्छा पढ़ाई करता है, तुम देखो तुम सारे दिन खेलते रहते हो, तुम देखो ये नहीं करते हो, तुम देखो वो नहीं करते हो। मगर आपको ये समझना पड़ेगा कि हर चीज़ अलग क्वालिटीज की होती है, हर बच्चा कुछ अलग क्वालिटीज लेके पैदा हुआ है। ये पांचों फिंगर्स एक जैसी नहीं होती। ये सब बातें ऐसा नहीं है कि कोई नई बात है, मगर फिर भी हम भूल जाते हैं। जब उसको प्रैक्टिकल वक्त आता है, जहाँ पे अपने बच्चों पे अप्लाई करना होता है, उस समय हमें लगता है कि नहीं नहीं नहीं, मेरा बच्चा वही करेगा जो मैं चाहती हूँ, मगर ऐसा नहीं होता। बच्चों को अपने हिसाब से ग्रो होने दीजिए, बच्चों को कंपेयर मत करिए। कंपेयर करने से वो हमेशा, उसके दो रीजंस हैं, कंपेयर करने पर क्या होगा, एक तो वो दूसरे से कहीं ना कहीं जेलसी उसके अंदर आएगी, उसको लगेगा कि देखो उसकी हमेशा मम्मी या पापा मेरी प्रेस करते हैं, मेरी प्रेस नहीं करते हैं। और दूसरा उसको ऐसा भी लगता है कि मेरा प्यार कंडीशन अप्लाई है, मतलब कि मेरा प्यार कंडीशनल है, मेरे को तभी प्यार मिलेगा जब मैं उसके जैसा हो जाऊंगा, नहीं तो मेरी मम्मी मुझे प्यार नहीं करती है, मेरे पापा मुझे प्यार नहीं करते हैं। जब ये कंपैरिजन आता है, ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत नई बात बताने जा रही हूँ, मगर हमें ये बात को बार 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 सुनना पड़ेगा ताकि हम अपने व्यवहार में ला सकें, हम अपने अंदर चेंजेस ला सकें। ये चेंजेस बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपकी मम्मी ने कभी कंपेयर किया हो और आप उसको डाइजेस्ट कर रहे हो, मगर अब बच्चों की भाषा डिफरेंट है, अब बच्चों का एटीट्यूड डिफरेंट है, और अब बच्चों को चाहिए कि मेरे को इंडिविजुअली जैसा मैं हूँ मुझे स्वीकार किया जाए, मुझे एक्सेप्ट किया जाए और मुझे अप्रिशिएट किया जाए। तो कुछ भी काम अगर अपने बच्चों से कराना है तो उसको आप किसी से कंपेयर मत करिए, उसको ये मत दिखाइए देखो वो कितना अच्छा कर रहा है, ये तुम्हारी क्लास में वो बच्चा कितना अच्छा पढ़ाई कर रहा है, वो मार्क्स ज़्यादा ला रहे हैं, नहीं। आप उसको उसके काम के लिए अप्रिशिएट करिए। आपकी जो टोन है वो अप्रिशिएटिंग जब रहेगी तो बच्चा सामने वाला हमेशा आपसे आपकी बात सुनेगा, आपको समझेगा कि वो समझ जाएगा कि मेरे पापा मेरी मम्मी मुझे केवल सिर्फ मेरी अचीवमेंट्स पे प्यार नहीं करते हैं, वो मेरे को भी प्यार करते हैं। नहीं तो नॉर्मली बच्चों को हमेशा लगता है कि मेरे पापा मम्मी सिर्फ तभी प्यार करेंगे जब मैं कुछ अचीव करूंगा, नहीं तो उनके मन में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। तो ये जो रीज़न है, ये एक बहुत ही स्ट्रांग रीज़न है जिसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि बच्चे बड़े होकर अपने पेरेंट्स को छोड़ देते हैं, या उनका बहुत डिसरिगार्ड कर रहे होते हैं, उनकी बिल्कुल परवाह नहीं कर रहे होते हैं। वो सिर्फ रीज़न क्या है? रीज़न केवल एक है कि कहीं क्या कहीं हमने उनके साथ अपनी बॉन्डिंग स्ट्रांग नहीं करी है। अगर हमारी बॉन्डिंग वीक है तो कितना भी किया हुआ काम हमारा अल्टीमेटली वेस्ट हो जाएगा। तो आपको ये बात बहुत ध्यान रखना है कि कैसे भी करके आपके बच्चों को आपने कभी भी किसी से कंपेयर नहीं करना है। याद रखेंगे ना? थैंक यू।